कहते हैं कि जो इस संसार में आया है उसका इस संसार से जाना भी तय है। दुनिया में लोगों ने अपने सहूलियत के हिसाब से धर्म और जातियां बनाई और सभी ने अपनी अलग अलग परंपराएं, संस्कृति, धर्म ग्रंथों को मानना शुरू किया, उसके कहे बातों पर चलना शुरू किया। इसी में से एक है मृत्यु के बाद होने वाला अंतिम संस्कार। हर धर्म में अलग अलग तरह से अंतिम संस्कार होता है, लेकिन मकसद एक ही होता है, पंच तत्वों से बने शरीर को फिर से पंच तत्वों में ही डाल देना। एक ही मोटो होता है, मुक्ति पा लेना। मतलब जो जीवन और मृत्यु का जो चक्र है उससे निकल जाना, उससे बाहर हो जाना। लेकिन अब सवाल ये है कि हिंदू धर्म में शरीर को जलाया जाता है, इस्लाम में दफनाया जाता है, तो फिर सिख धर्म में मरने वालों का अंतिम संस्कार कैसे किया जाता है, आज हम यही जानेंगे। ऐसा कहा जाता है कि सिख धर्म की स्थापना हिंदू धर्म से ही हुई है, हिंदू धर्म से निकलकर सिख धर्म आया है, इसलिए इसकी बहुत सी रस्में जो हैं हिंदू धर्म से मिलती जुलती हैं। इसी में एक है अंतिम संस्कार की विधि। हिंदू धर्म में माना जाता है कि जो मृत शरीर है उसको अग्नि के हवाले कर देते हैं, अग्नि को विलीन कर देते हैं अग्नि में, ताकि जिस पंच तत्व से वो शरीर बना है आखिरकार जाके वो उसी पंच तत्व में मिल जाए। मिट्टी का बना है ये शरीर और मिट्टी में ही मिल जाए। साथ ही इससे जो आत्मा है, जो शरीर मृत शरीर की जो आत्मा है उसको शांति मिलती है। ऐसा कहते हैं कि उनको आग देने से आत्मा को शांति मिलती है। ऐसा करने के पीछे ये भी मत बताया जाता है कि अगर शरीर नहीं होगा तो मृत शरीर से उसके परिजनों का मोह खत्म हो जाएगा। हिंदू धर्म की ही तरह सिख धर्म में भी मृतक का अंतिम संस्कार उसके शव को आग के हवाले कर देने के साथ किया जाता है। अंतिम संस्कार से पहले मृत शरीर को नहलाया जाता है, जिसके बाद सिख पंथ के 5 चिन्ह कृपाण, कंघा, कटार, कड़ा और केश को अच्छे से संवारा जाता है। इसके बाद अर्थी पर ही शव को श्मशान घाट लेकर जाया जाता है। इस दौरान सभी वाहेगुरु कहते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। सिख धर्म में अंतिम संस्कार में महिलाएं भी श्मशान जा सकती हैं, लेकिन हिंदू धर्म में महिलाओं का श्मशान घाट जाना बिल्कुल मना होता है। मतलब वो जा ही नहीं सकती। अंतिम संस्कार मृतक का कोई करीबी ही कर सकता है। दाह संस्कार के दौरान शाम को अरदास और भजन किया जाता है। श्मशान से आने के बाद, नहाने के बाद सिखों की जो पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब हैं उनका पाठ किया जाता है। जो लोग 10 दिनों तक करते रहते हैं, मतलब ये पाठ जो है गुरु ग्रंथ साहिब जी का वो चलता ही रहता है 10 दिनों बाद गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ पूरा होने के बाद कड़ाह प्रसाद की बारी आती है। शोक करने आए सभी लोगों को कड़ाह प्रसाद दिया जाता है, उनको बांटा जाता है, जिसके बाद भजन कीर्तन होता है और ये अरदास की जाती है कि ईश्वर मरने वाले की जो आत्मा है उसको शांति दे। तो ये पूरा सिखों में जिस तरह से अंतिम संस्कार किया जाता है, ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी। आपको ये इन्फॉर्मेशन क्या पहले से पता थी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हमारे साथ बने रहिए और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक भी कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए। ये वीडियो यहीं तक।